हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास रोमर की ये सिलाई मशीन बनने के लिए आई है। जिस मशीन का काम क्या है कि इसका केम जो है कट चुका है, इसके वजह से मशीन काफ़ी साउंड कर रही है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और मशीन का केम कटा होता है तो पहचानने का दो रीज़न होता है। एक तो इसका साउंड बढ़ जाता है और दूसरा ये होता है कि ये जो कुंडी होता है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा हिलने लगता है। देख सकते हैं काफ़ी हिल रहा है इसका कुंडी। तो इस मशीन का हम केम चेंज करेंगे, बाकी और भी जो पार्ट्स है ज़रूरी उसको चेंज करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इसके हर एक पार्ट्स को खोल लेते हैं, जो भी हमारा इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, क्योंकि केम को चेंज करने के लिए हमें सारे पार्ट्स को खोलना पड़ता है। ये हमारा चाप रड निकल चुका है। अब हम स्वी रड को खोलेंगे और इसका रड भी देख सकते हैं, प्ले है काफ़ी। इसका हम रड को भी चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके सुई को खोल लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद एक इसमें तार स्क्रू लगा होता है। हम स्वी रड को खोल लेंगे। देखिए ये हमारा स्वी रड निकल चुका है। तो यहाँ का हमने सारा पार्ट्स खोल लिया है। हम नीचे के इसके शटल को खोलेंगे। इस जगह में हमारा 11 नंबर का देखिए रेंच यूज होता है। नट कोल का लूज करेंगे और पेच को इधर राइट साइड से निकाल लेंगे इस प्रकार से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। सबसे पहले हमारा ये कनेक्टिंग खुलता है, उसके बाद गोटू के साइड के बॉडी चूल को खोलेंगे इस प्रकार से। 14 नंबर का यहाँ इसमें रेंच यूज होता है। ये खुल गया हमारा। उसके बाद देखिए इसमें एक लॉक पिन होता है, पर इसमें लॉक पिन लगा हुआ नहीं है। तो पिन नहीं लगाया तो इसको राइट से लेफ्ट की ओर इस प्रकार से ठोके निकाल लेंगे। सारे पार्ट्स को बढ़िया से साफ करके वापस से हम इसको सेट करेंगे। और जो इसका मेन केम चेंज करना है उसको हम चेंज करेंगे। देखिए हमारा नीचे का भी पूरा सामान खुल चुका है। केम को निकालने से पहले हम इसे कुंडी को खोल लेंगे। ये हमारा कुंडी निकल गई। अब यहाँ चांदा को खोल लेंगे। उसके बाद अंदर का जो हमारा चिमटा है और कनेक्टिंग है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए चिमटा का एक स्क्रू लगा होता है इस जगह में, आप देख सकते हैं एक स्क्रू लगा होता है, उसको हम लूज करके इसको अंदर की ओर सरका देते हैं।
हमारा चिमटा देखिए ये नीचे की ओर निकल जाता है। फिर हमारा देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग फिट हुआ है, उस कनेक्टिंग के दोनों साइड में पेच होता है, तो एक हाथ से कनेक्टिंग को पकड़ेंगे नीचे तरफ से और इसको ड्राइवर से ऐसे खोलेंगे। और ठीक है, इसके नीचे साइड में भी हमारा पेच होता है, उसको भी हम ढीला करेंगे। तो देखिए जो जहाँ का स्क्रू है उसको उसी प्रकार से लगा कैसे हम रख देंगे ताकि हमारा स्क्रू जो है मिसप्लेस ना हो। और देखिए एकदम सेंटर में जो जिधर लगने का टोपी उसे उसी प्रकार से ऐसे टाइट करके रखेंगे, इससे क्या हमारा स्क्रू भी सेफ रहेगा और कोई भी उल्टा लगने का चांस भी नहीं रहेगा कनेक्टिंग। तो देखिए मेन रड से सारा कुछ अलग हो चुका है, मेन रड का देखिए कुछ भी सामान इसमें फिट नहीं है। मेन रड को निकालने से पहले हमें देखना होता है कि किसी किसी का बूश जो होता है बहुत लंबा लगा होता है, यदि बूश लंबा होता है तो हमें बूश को निकालना पड़ता है, पर इसका बूश जो है छोटा साइज का है तो हम कैम को निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके व्हील को हमने खोल लिया इस प्रकार से, फिर यह इसके नीचे दो पेच लगा होता है उसको भी खोल लेंगे। देखिए यहाँ पिन लगा होता है पर इसमें भी लॉक पिन नहीं लगा हुआ है, यदि लॉक पिन लगा होता तो हम इसके पिन को निकालते हैं, बट लॉक पिन नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट इधर से किसी रड की मदद से ठोकेंगे हमारा मेन रड पीछे की ओर निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे ठोकेंगे, तो देखिए हमारा मेन रड निकल चुका है, ये बिलबुस भी अलग हो चुका है। अब इसके केम में एक स्क्रू लगा होता है इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं इसके स्क्रू को हम इस प्रकार से लूज करेंगे। चेन को निकालने के लिए ऐसे कोई फाइल का मदद लेंगे और इस प्रकार से इसको खड़ा कर लेंगे और ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा चेन अलग हो चुका है, इस प्रकार का देखिए टेढ़ा मेन रड आता है। देखिए यहाँ का बूश हमारा निकल चुका है। मैं एक लॉक पिन था पर हमें दिखा नहीं। तो देख सकते हैं इसका सारा पार्ट्स हमारा खुल चुका है, नीचे भी देख सकते हैं कोई पार्ट्स हमारा फिट नहीं है, ऊपर भी हमारा सारा कुछ निकल चुका है, ओनली एक इसमें प्लेट लगा हुआ है। अब इसकी पूरी अच्छी तरीके से सफाई करके वापस से इसमें केम लगा के मेन रड को फिट करेंगे हम। ये रहा हमारा मेन रड और ये है इसके गले का बूश जो कि यहाँ पे फिट होता है इस प्रकार से, यहाँ पे फिट होता है अंदर में। और ये है इसका फिट केम, इसको हम आम भाषा में चिमटे का केम बोलते हैं। ये इस प्रकार से हमारा फिट रहता है, इस प्रकार से चलता है, ये हमारा राइट साइड ऐसे रहता है
स्क्रू ऊपर में और ये बूस हमारा यहाँ पे इस प्रकार से मशीन के अंदर इस प्रकार से चलता है। अब बारी है इसके केम को चेंज करने की। इसका केम माइनर से थोड़ा सा यहाँ कट गया था, इसके वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ये है इसका नया केम। जो भी नया केम होता है थोड़ा ओवर साइज होता है उसका होल, वो इजीली इसके अंदर जाता नहीं है, तो इस होल को थोड़ा सा हमें बड़ा करना होता है। तो आप चाहे तो इसके मेन रड को भी घिस के आप इसको होल को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस प्रकार का रेमर होता है जिससे आप इसके होल को बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए रेमर के पीछे साइड में हम इस हैंडल को पहले बांध लेंगे। ऐसे तो हमारे पास वाइस भी है पर वीडियो में दिखाने के लिए हमें इसमें हमने इसको टाइट कर लिया है और एक खास ऐसा पकड़ के इसको हम इसके होल को बड़ा करेंगे। या तो ऐसे रख के भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसका होल धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। आपको उतना ही घिसना है जितना आपका मेन रड में बिल्कुल परफेक्ट फिट आए, लूज भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी आपको नहीं रखना है। तो देखिए ये हमारा इतना हिस्सा घिसने से इतना अंदर चला जा रहा है, बाकी हमें ठोक के इसको टाइट से लगाना है। तो ये हमारा रेमर का काम हो चुका है। अब इसकी हम टाइमिंग सेट करेंगे और टाइमिंग सेट करने के लिए ये इसके हेड स्क्रू को हम इसमें फंसा लेंगे केम के ऊपर में, और उसके बाद ये केम को इस प्रकार से सेट करते हैं कि हमारा थोड़ा सा मेन रड जो अंदर की ओर ये जो बैंड है हमारा लेफ्ट की ओर रहेगा। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सुई का चाल बहुत ही फास्ट हो जाता है, तो उसको आपके हिसाब से रखना पड़ता है। इतना हमारा ठीक है। अब इसे केम को हम हथौड़ी की मदद से इसको ठोक देंगे अंदर की ओर इस प्रकार से। ऐसे कोई गुटका रख लेंगे लोहे का, देखिए ये हमारा सरफेस पूरा बराबर हो चुका है इस प्रकार से। देखिए होल को हमने मिलाया भी नहीं है, बट होल जो हमारा टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। यदि आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा तो होल आपको देखना नहीं है, आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से ही चलना है, होल अपने आप ही मिल जाता है। तो हम केम हमेशा ज़्यादा टाइट ठोकते हैं, इसके वजह से हम इसका स्क्रू नहीं लगाते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर थोड़ा भी टाइमिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो स्क्रू हमें खोलना नहीं पड़ता। ऐसे तो हमारा केम लगने के बाद घूमता नहीं है, पर फिर भी हमें अपने टाइमिंग पर भरोसा रहता है, इसके वजह से हम इसको टाइट ही ठोकते हैं ताकि केम की तरफ से कभी मेन रड हमारा लूज ना हो। देखिए इसके होल को मिलाने के लिए पहले तो इसके होल को हम क्लियर कर लेंगे, और ये हमारा बूस का जो होल है इसको हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसी होल से हमारा इस होल को मैच कराना होता है ताकि तेल जो है हमारा मेन रड में जा सके। इस प्रकार से सुई की मदद से इसको हम देखेंगे, सुई हमारा आ रहा है और इसको होल को मिलाते हुए बुश को अंदर की ओर पुश कर देंगे। ऐसे
नट को या कोई चीज को सपोर्ट रखते हुए केम को इस प्रकार से ठोकेंगे। देखिए यहाँ का हमारा बुश बिल्कुल बैठ चुका है। अब इसके बाद हमारा बुश जब बैठ चुका है उसके बाद हम एक बार कुंडी, नया कुंडी जो हमारा है उसको हम लगा के चेक करेंगे। तो इसमें लॉक पिन लगा हुआ था बट हमें दिखा नहीं, इसके वजह से ये हमारा लॉक पिन क्या है टूट गया है, तो कभी कभार अड़ रहा है। देखिए बिल्कुल निकलने लगा है, कई बार फंस रहा है, इसके वजह से हम इसको फाइल मार रहे हैं। केम हमारा लग चुका है, मेन रड भी हमारा अंदर जा चुका है। अब इसके हम कुंडी को फिट करेंगे। तो यहाँ हम एमटी का कुंडी यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं ये एमटी कंपनी का कुंडी है। पहले इसके पेच को इस प्रकार से लूज करना होता है, फिर इसको एक बार निकाल लेंगे और वापस ऐसे रख के ताकि इसका पेच जो है नया में बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसको हल्का लूज कर लेंगे और फिर यहाँ पे लगा के एक बार चेक करेंगे कि कुंडी हमारा ये सरफेस से ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज तो नहीं है। यदि लूज़ या टाइट होगा तो उसको हम पहले अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि केम लगाते वक्त, केम में इसको फंसाते वक्त दिक्कत ना हो। देखिए जब इसके पेज को हम टाइट कर दे रहे हैं तो ये हमारा कुंडी बिल्कुल जाम हो जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा सरफेस है वो कुंडी को पकड़ ले रहा है, हमारा नट जो है अंदर का वो इसके सरफेस को जाम कर दे रहा है। यदि कुंडी का नट ऐसे इस प्रकार से टाइट कर हो जाता है तो आपको एक फेस कटर आता है कुंडी का, हम उसको चलाते हैं। उससे क्या होता है, इसका जो फेस होता है अंदर बाहर हल्का सा भी अप डाउन होता है उसको वो लेवल पे कट कर देता है। इस प्रकार से फेस कटर है, इसको यदि हम इसमें चलाते हैं तो इसका जो फेस है बिल्कुल बराबर हो जाता है। देखिए फेस कटर चलाने के बाद ये हमारा फेस बिल्कुल साफ हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब वापस इसके कुंडी को हम लगा के चेक करेंगे कि हमारा टाइट है बता रहा है या लूज बता रहा है। यदि उसके बावजूद हमारा कुंडी टाइट बताता है या तो हम दूसरा कुंडी लगाएंगे या तो फिर इसके फेस को, यहाँ के फेस को हम हल्का फाइल की मदद से घिस देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा पेस्ट टाइट करने के बाद भी हमारा अब ये टाइट नहीं बता रहा है और ये हल्का सा भी लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे प्ले नहीं है थोड़ा भी। ये पूरा हमने टाइट कर लिया इसको, फिर भी हमारा नट जो है खुल नहीं रहा है। तो ये हमारा कुंडी भी सरफेस में बिल्कुल सही तरीके से मिल चुका है। अब हम इसे केम को और इसे मेन रड को फिट कर देंगे। फिट करने से पहले इसके सामने वाले फेस को भी हम साफ कर लेंगे, इसके होल को क्लियर कर लेंगे और ये हमारा आगे का व्हील बुश है।
ये इसका व्हील बुश है, इसको इस प्रकार सीधा रखते हैं और पीछे साइड से इसको इस प्रकार से दबा कर रखेंगे और जब इधर से ठोकेंगे तो हमारा व्हील बुश जो है इसमें फिट हो जाएगा। देखिए ये हमारा व्हील बुश इसमें लग चुका है, इसको हम थोड़ा टाइट रखते हैं, टाइट रखते हुए हमें हल्का इसको थोड़ा देर घुमाते हैं तो ये हमारा जो है व्हील बुश बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसको टाइट में थोड़ा देर घुमाने से क्या होता है, हमारा जो भी हल्का फुल्का बापरी होता है वो तो कट के निकल जाता है और मेन रड हमारा फ्री हो जाता है। जो मेन रड हमारा भी जाम था, तीन चार बार ऐसे घुमाने से ही हमारा फ्री होने लगा। जब फ्री हो जाता है उसके बाद हम इसमें हल्का ऑयल का यूज़ करेंगे इस प्रकार से। बाद इसके पीछे हिस्से में भी हम इस प्रकार से तेल डाल देंगे। देखिए ऑयल डालने के बाद ये हमारा मेन रड बिल्कुल फ्री हो चुका है, कैम का हमारा सारा काम हो चुका है, बस लास्ट हमारा कैम का बचा है काम, इसको फ्री करना। तो फ्री करने के लिए हमें कुंडी को लगाना होता है और कुंडी को इसके साथ आपस में मिलाना होता है। तो कुंडी को लगाने से पहले जब भी कैम में फंसाते हैं तो इसके गोली को इस प्रकार से फ्री कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैम आपका बहुत ही कम समय में कट जाएगा वापस से। देखिए इसे गोली को हम इस प्रकार से घुमा के ऐसे फ्री कर लेंगे। गोली इसका बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए और इसमें कोई भी तेल का यूज़ नहीं करना है इसको फ्री करते वक्त, क्योंकि अभी केम जो है आपको फ्री करना पड़ता है हमें। यदि इसमें तेल होगा तो केम जो है हमारा वो सही प्रकार से उसके बाबरी को काट नहीं पाएगा और मिल नहीं पाएगा। तो कुंडी को इस प्रकार से केम के इसके घाट में फंसाएंगे और इस होल से मिलाते हुए इस पेच को हम टाइट कर देंगे इसमें। इस प्रकार से स्क्रू को पकड़े रहेंगे और राइट हैंड से धीरे धीरे हम मशीन को चलाएंगे। इस प्रकार से स्लो मोशन में चलाएंगे पहले तो, उसके बाद इसको हम खड़ा कर लेते हैं और अभी भी आपको ऑयल नहीं डालना है। जब तक आपका मशीन बिल्कुल फ्री नहीं होता है, हमारा कुंडी मिल नहीं जाता तब तक इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करना, ना लेफ्ट राइट ना ऊपर नीचे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमारा कुंडी भी लगभग मिल चुका है तो इसमें हम हल्का ऑयल का यूज़ करेंगे अब। तो यहाँ तक हमारा देख सकते हैं ये केम भी बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसमें हमने अच्छे तरीके से ऑयल को यूज़ कर लिया है।